पहुंचे हैं नियालखेड़ा ग्राम पंचायत के राधा कृष्ण जी के पास। तो आइए इनसे करते हैं खास बातचीत। नमस्कार राधा कृष्ण जी। नमस्कार। सबसे पहले तो राधा कृष्ण जी आपको बहुत बहुत बधाई हो सरपंच पद पर बनने के लिए। और अब अपना राजनीतिक परिचय बताइए। राजनीतिक परिचय जी, गांव के विकास के लिए मैंने लोगों ने चुना है जी, और गांव का विकास करेंगे जी। अच्छा। और सभी गाँव वासियों ने बड़ा साथ दिया है, और हमारे गाँव जी पहली बार बहुत भाईचारा है जी, कोई पार्टी बाजी नहीं है जी। अच्छा। सभी का शौक है जी। तो राधा कृष्ण जी, इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा था या पहली बार चुनाव लड़ा है? पहली बार चुनाव लड़ा है भाई साहब। तो सरपंच बनने के बाद अब आपको क्या, आपके पंचायत में क्या समस्याएं दिखाई दे रही है जिसको आप 5 साल में पूरा करेंगे? हमारे गांव में जी विकास की समस्या है जी, तो पिछले 10 साल में विकास नहीं हुआ, तो हम गाँव में विकास करेंगे जी। यही हमारा मुद्दा है भी, गाँव में जो नाली है, गली है, तो स्कूल की समस्या है, वाटर बक्स नया बनवा रहे हैं जी, जो हमने उसकी 4 लाख रुपए उसके भरे हुए हैं, उसकी 4 लाख करोड़ रुपए आएगी, तो गांव में नई पाइपलाइन होगी, आरओ का पानी देंगे जी, तो ये गांव के लिए करेंगे जी। तो सरपंच साहब, जो नशे की जो प्रवृत्ति है, बालिका शिक्षा को लेके आपके क्या विचार है? नशे के प्रति हम पहले भी बरखिलाफ है जी, और अभी नशे प्रति हम संघर्ष करेंगे भी बरखिलाफ ही। नशा ना करते हैं, ना जाते हैं नशे वाले पास। और जनता का जो ये जीत का श्रेय है, ये आप किसे देना चाहेंगे? जी ये हमारे भाईचारे का है जी, और सभी भाइयों ने मिलजुल के हमको चुना है जी। पहली बार हमने इलेक्शन लड़ा है जी, बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जीत हुई है जी, और सभी भाइयों को मैं इस जीत का संदेश देना चाहूँगा। अभी सभी भाइयों का आशीर्वाद रहा हमारे साथ। नव वर्ष लोहड़ी और 26 जनवरी की देशवासियों के नाम क्या बधाई संदेश देना चाहिए? यही बधाई भी, हम बहुत खुश हैं जी 26 जनवरी पे, हमको सारे भाइयों को खुशी देना चाहते हैं अभी इसी बात पे भी, हमको सरपंच पद पे चुना है, सारे भाइयों को, सारे गांव देशवासियों को भी 26 जनवरी की बधाई देना चाहते हैं। तो ये थे खास बातचीत में हमारे साथ राधा कृष्ण जी। तो इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।